औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। यूसुफ एंड मुस्तफ़ा, तूबा हसन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो है इस्लामियात ओरल एंड जनरल नॉलेज ओरल। तो इस्लामियात ओरल करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला कलमा तोयब, तोयब मानी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सब बच्चे कलमा ज़रूर रिवाइज किया करें। मैंने आपको बताया था रात को सोने से पहले या आप जब फ्री होते हैं स्टडी के लिए बैठते हैं तो लाजमी जनरल नॉलेज और इस्लामियात भी रिवाइज ज़रूर किया करें। ओके जी, आपको इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ मैंने बताई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हम अल्लाहु अकबर दुआ पढ़ते हैं और सीढ़ियाँ उतरते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हमारे पास पेज नंबर 1 पेज नंबर 1 निकाल लीजिए। सबसे पहले हमने जो सवालात पढ़े हैं हम उनको रिवाइज करेंगे और फिर हम नया जो आज का सवाल है वो याद करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के बारे में यहाँ पे सवालात हैं जो कि आपने पूरे जवाबात याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल है अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है। अल्लाह कितने हैं? अल्लाह एक है। हम सब किसकी इबादत करते हैं? हम सब अल्लाह की इबादत करते हैं। ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला ने इंसान को किससे बनाया है? अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है। आखिरी सवाल है इस टॉपिक का, चांद सूरज और तारे किसने बनाए हैं? जवाब है इसका, चांद सूरज और तारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। आई होप कि आप सब बच्चों ने इन जवाबात को अच्छे से याद किया हुआ होगा और जब आपके एग्जाम्स होंगे, जब हम आपसे पूछेंगे तो आपने मुकम्मल जवाबात देने हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्यारे नबी। प्यारे नबी यानी इसमें आप हमारे नबी कौन हैं, उनका क्या नाम है, अब ये हम पढ़ेंगे। ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है प्यारे नबी, अब इस टॉपिक में सबसे पहला सवाल है अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का क्या नाम है। अब सबसे पहले नबी मतलब जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया था तो कोई भी नहीं था, जो सबसे पहला नबी था उनका क्या नाम था, ठीक है। अब उनके बाद फिर बहुत ज़्यादा नबी आए, फिर काफ़ी ज़्यादा लोग, और फिर हमारे जो अबाओ अजदाद हैं मतलब हमारे जो बड़े हैं वो आए, उसके बाद ये बहुत लंबा सिलसिला है। तो बिल्कुल जो सबसे पहले नबी थे, जो सबसे पहले बनीनु इंसान थे जो इस कायनात पे आए, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, वो कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो अब आपने पूरा जवाब याद करना है, अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम, पहला जो बिल्कुल फर्स्ट होता है,
ठीक है। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का क्या नाम है? अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अब मैं बार बार इसकी रिपीट कर रही हूँ कि ये काफ़ी लंबा है जवाब, तो आपको याद करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, आपको अभी बिल्कुल याद नहीं होगा, ठीक है। और अगर अब मैं पूछूँ भी तो आप मुकम्मल जवाब अगर नहीं दे सकते तो इट्स ओके, लेकिन आपने इसको पूरा याद करना है, ठीक है। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, आपने पूरा नाम लेना है। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा जी, अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का क्या नाम है? अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो फर्स्ट हमारे सबसे पहले नबी हैं, ठीक है। फिर उनके बाद फिर और नबी भी आए बहुत ज़्यादा, तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको पता लगेगा, ठीक है। अभी तो आप छोटे हैं ना, छोटी क्लास में हैं, तो अभी आपने सबसे पहले नबी का नाम याद करना है। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। ओके जी, अब आपने इसको अच्छे से याद करना है। अभी मैंने इसको रिवाइज करवा दिया है। आज का हमारा पेज नंबर 2 टॉपिक प्यारे नबी में सवाल नंबर 1 हमने पढ़ा है, ठीक है। और आपने इसका जवाब याद करना है, और बच्चों याद आपको तब होगा जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3-4 टाइम्स आपको पढ़ाया है, लेकिन इससे आपको याद नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर बैठ के 15 मिनट्स इसको प्रॉपर पढ़े ना। ओके जी, मैं एक मरतबा फिर रिवाइज करवाती हूँ, और इसके बाद फिर हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का क्या नाम है? अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। बच्चों, आप जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए, आपने क्वेश्चन को, सवाल को गौर से सुनना है, उसके बाद उसका जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से सुना करें, उसको समझा करें, उसके बाद उसका आपने जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, सुनने में आपको एक जैसे लगते हैं, फिर आप लोग जल्दी में सुन के उसका गलत जवाब ही दे देते हैं, और ऐसा होता है। तो आपने पहले सवाल को, क्वेश्चन को गौर से सुनना है। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का क्या नाम है, फिर आप जवाब देंगे। अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। ओके जी, अब हमने आज का नया सवाल याद कर लिया है इस्लामियात का। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। तो सब बच्चे अपनी जनरल नॉलेज की बुक निकाल लीजिए। नाउ टेक आउट योर जनरल नॉलेज प्राइमर प्ले ग्रुप बुक टेक्स्ट बुक। बच्चों, आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप ये अपनी आदत बना लें कि आप स्टार्ट से पढ़ा करें, ठीक है। आपको वो सारा जितना भी आपने प्रीवियस काम पढ़ा होगा वो आपको याद हो जाएगा, वो भूलेगा भी नहीं। आप जितनी मर्तबा उसको रिवाइज करोगे वो और ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में रहेगा, आपको भूलेगा नहीं। ओके जी, टेक आउट पेज नंबर 1, और हमारा जीके में पेज नंबर 1 पे फर्स्ट टॉपिक है दैट्स मी। दैट्स मी मीन्स आपने अपने बारे में बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम। आंसर इज माई नेम इज यूसुफ, माई नेम इज मुस्तफ़ा, एंड माई नेम इज ज़िमल। आपने अपना नेम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज
आर यू अ बॉय और अ गर्ल? इफ यू आर अ गर्ल यू विल से आई एम अ गर्ल, एंड इफ यू आर अ बॉय यू विल से आई एम अ बॉय। ओके, अगर आप गर्ल हैं तो आपने क्या आंसर देना है? सेकेंड टॉपिक इज माई बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, अगर क्लास बीच में डिसकनेक्ट हो जाती है तो प्लीज़ आप लेफ्ट मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू आता है, बारिश हुई है, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, तो इस वजह से आपने बिल्कुल भी मीटिंग को लीव नहीं करना। ओके ओके, पेज नंबर 2, सेकेंड टॉपिक माई बॉडी। माई बॉडी मतलब आपने अपनी बॉडी के बारे में बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आईज डू यू हैव, एंड द आंसर इज आई हैव 2 आईज। आपकी कितनी आईज हैं? 2 आईज हैं। हाउ मैनी आईज डू यू हैव? आई हैव 2 आईज। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, इसका मतलब है आपके बालों का क्या रंग है? द कलर ऑफ माई हेयर इज ब्लैक, द कलर ऑफ माई हेयर इज ब्राउन। मेजॉरिटी लोगों के, हम सब के बाल या ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं, तो अगर आपके बालों का कलर ब्लैक है तो आप ब्लैक बोलेंगे, और अगर ब्राउन है तो ब्राउन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि और तो कोई बालों का कलर होता नहीं है, वो तो डॉल्स का होता है ना, पिंक और ग्रीन और इस किस्म के कलर्स होते हैं। तो आपने या ब्लैक बोलना है या ब्राउन बोलना है। द कलर ऑफ माई हेयर इज ब्लैक, द कलर ऑफ माई हेयर इज ब्राउन। ब्लैक या ब्राउन, जो भी आप कलर बोलना चाहें। ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 3, एंड द टॉपिक इज हेल्दी फूड। अब हेल्दी फूड वो फूड होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आप खा के खुद को बहुत अच्छा फील करते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप जल्दी बीमार नहीं होते, ठीक है। तो आप सब बच्चों ने भी हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी है, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना। ओके, फर्स्ट मैं करने जा रही हूँ ज़िमल। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ओके, थैंक यू सो मच ज़िमल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन टू बेटा। ओके, नाउ टेल मी, डू यू ड्रिंक मिल्क डेली? यस। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। थैंक यू ज़िमल, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। ओके, सेकेंड इज अनाया ज़ीशान। अनाया ज़ीशान, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अनाया, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मुझे तो आप फाइन नहीं लग रही हैं, आप तो लेटी हुई हैं, आप फिर से बीमार हैं या नहीं? अभी मूड नहीं हुआ उठने का।